हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, मैं सर दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास के फसल उत्पादन का अध्याय पौध संरक्षण से। आज ये हमारा आज का वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा इस अध्याय से। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा हमारे अगले अध्याय से इसके। तो आज हम लोग देखेंगे पौधों के रोगों के नियंत्रण करने की विधि, ठीक है। तो अब पौधों के रोगों को नियंत्रण करने की विधि के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसका जो है नियंत्रण किया जाता है, उसको हम लोग पूरा अभी इसमें देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, दो मुख्य विधि होता है, ठीक है। दो क्या होते हैं, मुख्य विधि होता है किसी भी रोग जो होते हैं, मतलब पौधे के रोग जो उसमें लगने वाले होते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए या उसको होने से रोकने के लिए दो हमारे पास जो है मुख्य विधि होता है। पहला होता है बहिष्करण और दूसरा होता है उन्मूलन, ठीक है। तो पहला इसमें आता है बहिष्करण, मतलब होता है अगर क्या होता है इसमें, इस विधि के उद्देश्य से नए रोगजनकों एवं बीमारियों को नए क्षेत्र में प्रवेश से रोका जाता है, ठीक है। बहिष्करण मतलब वही होता है जो एरिया में उसका रोग नहीं हुआ है, उस एरिया में उस रोग को जाने से रोकना, ये कहलाता है उसका बहिष्करण, यानी कि उसका बहिष्कार करना, ठीक। सीधा सीधा उसको बाहर से उसको आने ही नहीं देना चाहिए, ये है ऐसे बोलते हैं ना। तो इसी तरह से और बोल सकता हूँ कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रोगों को फैलने से रोकना ही क्या कहलाता है, बहिष्करण इसमें कहलाते हैं। दूसरा नंबर आता है इसमें उन्मूलन देखते हैं। उन्मूलन मतलब होता है अगर किसी फसल में या किसी पौधे में अगर रोग हो गया है तो उसको पूर्णतया समाप्त कर देना, ये कहलाता है उन्मूलन कहलाता है, ठीक है। उसको पूरी तरह से इसमें अगर हमने वहाँ से समाप्त अगर कर दिया तो वो कहलाएगा हमारा उन्मूलन। और इसके लिए हमारे पास जो है अलग अलग और विधियाँ इसमें हमको मिलेगा, इसको बोलते हैं हमारे में पादप रोगों के नियंत्रण की विधियाँ निम्नलिखित है। तो हमारे पास बहुत सारे विधियाँ आते हैं, लगभग आपके पास जो है 12 विधि का हम लोग जो इसमें मतलब 12 तरीके के जो मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं, इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला इसमें आता है रोगी पौधों या पौधे के अंगों को नष्ट करना, ठीक है। अगर कोई प्लांट हमारे पास है तो उस प्लांट में अगर कहीं पे किसी तने पे पत्ते पे या उसके फूल पे अगर कहीं पे अगर उसमें रोग हो गया है तो उस पौधे के जो अंग होते हैं उसको हमको नष्ट कर देना चाहिए, या अगर वो बहुत ज़्यादा फैल गया है तो उसके जो पौधे होते हैं उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। सपोज आपके पास कोई ऐसा खेत है और इस खेत में जो है इधर की में पूरे आप जो है धान वगैरह जो भी फसल इसमें आप में लगाए हैं, अगर मान लीजिए आपका इस कोने का अगर वो क्या हो गया है, रोगी हो गया है जो कि धीरे धीरे फैल रहा है, ऐसा इसमें क्या रहा है फैल रहा है, तो आपको जो है सीधे इसके एक जो भाग होते हैं उसको जो है यहाँ से निकाल कर फेंक देना चाहिए और उसको पुनर्रोपण इधर वाले को जो है पुनर्रोपण इसमें फिर से कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो है इसका रोगों का नियंत्रण हम इसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं इसमें सस्य चक्र या प्रतिभूमि रख कर रोग का नियंत्रण। सस्य चक्र मतलब होता है फसल का चक्र, अलग अलग फसलों को बोना चाहिए तभी, जैसे कि वैज्ञानिक लोग हमको बोलते हैं कि अलग अलग फसलों का चुनाव होना चाहिए, हर एक मतलब एक ही खेत में हर एक ही प्रकार के फसलों को नहीं उगाना चाहिए, अलग अलग प्रकार के फसलों को उगाना चाहिए। इससे क्या होता है हमारे भूमि की जो उपजाऊपन है वो भी कैसा होता है बढ़ता है, और कीड़े मकोड़ों का जो आक्रमण होता है वो भी कैसा हो जाता है कम होते हैं, रोग जो हमको कम लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमको सस्य चक्र अपनाना चाहिए। अगर सस्य चक्र हम लोग अपनाते हैं तो उसमें क्या होगा, ऐसे प्लांट जिसमें रोग हो रहा है उसको हम छोड़ दिए किसी दूसरे को अगर वहाँ पर उगा रहे हैं तो दूसरे में रोग जो है वो नहीं होगा और हमको उपज जो है हमारा अच्छे से प्राप्त होगा। अब आते इसमें प्रति भूमि छोड़कर, प्रति मतलब होता है गर्मी के दिनों में या एक मौसम में आपको ऐसा डिसाइड करना चाहिए कि आपको उसको खाली छोड़ना है, कोई भी फसल उसमें नहीं लेना है, ये कहलाता है हमारे में प्रति भूमि कहते हैं, ठीक है। अगर आप जो है जैसे भी बारिश का मौसम है इसमें अगर आपने फसल ली है तो इसको जो है उसके बाद, जैसे कि हम लोग जब धान की है तो धान हमारा कब आ जाता है नवंबर दिसंबर में धान आ जाते हैं, उसके बाद आपको इसको प्रति छोड़ देना है ताकि आपके भूमि में अगर कोई रोग वगैरह जो कीड़े के अंडे होते हैं लार्वास होते हैं वो कैसा हो जाए आपका नष्ट हो जाए, पूरी तरह से नष्ट
हो जाए। ठीक है, अब तीसरा आता है इसमें परपोषी पौधों को नष्ट करना। परपोषी मतलब होते हैं ऐसे पौधे जो कि अपने जीवन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, परपोषी बोलते हैं। तो आपके जो खेत होते हैं, फार्म होते हैं, उसमें भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि परपोषी होते हैं, यानी कि अपना जो जीवन है वो किसी दूसरे पर जो है वो आश्रित रहते हैं, इसलिए उनको भी क्या कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। जैसे इसमें आपके पास आते हैं जंगली जो पौधे होते हैं वो अधिकतर परपोषी होते हैं जो कि अपने जीवन के लिए किसी दूसरे पर जो है वो आश्रित होते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद बोलते हैं कृषि क्रियाओं में परिवर्तन करके। कृषि क्रिया का मतलब अर्थ ये है कि उसमें हमारी, जैसे कि जब हम लोग गर्मी के जो दिन होते हैं उसमें हल्की जोताई करते हैं, तो उस समय इसको गहरी से जोताई करना या परती छोड़ना, या आपके धान के या कोई भी फसल के जो बोने का समय में अंतराल करना, यानी कि आगे पीछे करना, एवं जो खाद और उर्वरक की मात्राओं में परिवर्तन करके भी रोगों के नियंत्रण को रोका जा सकता है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको बता दें, जैसे कि एक धान होता है मासूरी, ठीक है, तो मासूरी धान एक ऐसा धान है जिसमें अगर उसमें थोड़ा सा भी हरापन आता है तो बहुत ही ज़्यादा उसमें जल्दी से रोग उसमें लगता है, यानी कि कीड़े वगैरह जो इसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है उसमें क्या करते हैं, उसके जो खाद देना है या उसके निंदाई कुड़ाई होते हैं उसको जो है देखभाल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, वरना जो है उसमें बहुत ज़्यादा इसमें कीड़े लगने की संभावना उसमें वो रहता है। ठीक है, ये है। अब इसी तरह से इसमें जैसे कि इसके लिए क्या होते हैं, हमारे पास दवाइयाँ होते हैं, जिसमें दवाइयों का भी छिड़काव करके इसका नियंत्रण इसमें किया जा सकता है। ठीक है, पांचवा नंबर पौधों के घाव का उपचार। पौधों में अगर कोई घाव हो जाते हैं तो घाव होगा मतलब क्या है, टूट फूट हुआ है उसके टिश्यूज में, सेल्स में, तो उसके थ्रू जो है आपके कवक हो सकता है या आपके जीवाणु हो सकते हैं या आपके विषाणु हो सकते हैं, वो अंदर अगर वहां पर जाएंगे तो उसके टिश्यू से लेकर जो है पूरे बॉडी को, यानी कि आपके पूरे पौधों को जो है उसमें बीमार वो कर सकते हैं, इसीलिए जो है उसको क्या करना चाहिए, वहां से उसको उपचारित करना बहुत ही आवश्यकता होता है। तो इसके लिए हमारे पास होता है आपका कॉपर सल्फेट प्लस जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का जो है आपका क्या पाया जाता है, एक घोल आता है उसको जो इसमें जो है वो लगाया जाता है, या सीधा सा आपके पास जो अलसी का तेल रहता है, अलसी का जो तेल होता है, अलसी का तेल जो रहता है, इसको भी इसमें उपचार के रूप में जो है लिया जा सकता है। अलसी के तेल को अगर वहाँ पर आपने लगा दिया तो पौधे में घाव जो है वो नहीं लग पाते हैं, या उस पर जो है वो कैसा होता है, मरहम पट्टी का काम जो इसमें करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसमें रोगवाहक कीटों का नियंत्रण। रोगवाहक मतलब होते हैं ऐसे पौधे जो कि रोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम जो है करते हैं, या जो है एक फसल से दूसरे फसल में ले जाने का काम जो इसमें वो करता है, तो इनको जो है क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, ताकि जो है रोगवाहक होगा तो एक पौधे से दूसरे पौधे में लेकर जाएंगे, तो इसी कारण से आपका अगर एक में हुआ तो पूरे आपके खेत को जो है बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है नष्ट जो है इसको कर देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे में बीजों का सौर ऊष्मा एवं गर्म पानी से उपचार करने चाहिए। बीजों का क्या करना चाहिए, सौर ऊष्मा एवं जो है गर्म पानी से उपचार। सौर ऊष्मा का मतलब होता है धूप में, इसको जो है वो धूप में आपका जो है इसमें सुखा सकते हैं, या धूप के इसको उपचार जो इसमें किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपके पास क्या होता है, जो बीज होते हैं तो बीज को जो है आपका बोने के लिए जो है आपको बीजों को लगभग आपके पास एक से जो है चार घंटे जो है घंटे पानी में जो है आपका क्या करना चाहिए, इसको भिगो कर रखने चाहिए। ठीक है, और उस तरह से इसमें 7 से 10 घंटे तक भी इसमें रखा जा सकता है, उसके बाद आपका जिसको सुखा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या हो जाता है, जो हमारे पास अगर उसमें कुछ बीमारियां रहते हैं, या अगर कुछ उसमें लार्वस हो गए, अगर जीवाणु वगैरह के कुछ उसमें लार्वस होते हैं तो कैसा हो जाता है, वो मृत हो जाते हैं, वह मर जाते हैं। ठीक है, अगर इसको आप धूप में भी अगर आप सुखा देते हो तो वो भी हो जाएगा, कैसे इसके मृत जो है इसमें हो जाते हैं, मृत्यु हो जाता है, या तो आपको गर्म पानी से उसको उपचार कर देना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए जो है हमारे पास अलग अलग भी केमिकल्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है पानी और सौर के रूप में देख रहे हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है इसमें आठवां नंबर आता है उर्वरकों का प्रयोग, ठीक है, आठवां नंबर आता है उर्वरकों का प्रयोग। तो उर्वरकों के प्रयोग के लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है कि हम इसमें नमी को ध्यान में रखते हैं, मिट्टी के नमी को ध्यान में रखते हैं, उस तरह से मिट्टी में उपजाऊ क्षमता के अनुसार इसमें खाद को जो है देना चाहिए। अगर आपने खाद में अगर कुछ इसमें मिस्टेक किया तो उसमें कीड़े वगैरह जो है बहुत ही जल्दी इसमें लगते हैं। जैसे मैंने अभी मासूरी की बात किया था तो उसमें क्या होता है कि अगर उसमें पत्ता आपका ज़्यादा हरा हुआ तो उसमें कीड़े का आक्रमण जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्यों होता है, जब हम जो है उस समय क्या करते हैं, जब नत्रजन का यानी कि नाइट्रोजन जिसको आम भाषा में बोलते हैं यूरिया, अगर यूरिया का छिड़काव थोड़ा सा तेज हो गया तो उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें होता है, ठीक है, है ना। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कवक नाशियों द्वारा बीजों का उपचार, कवक नाशियों के द्वारा इसको बीज का जो उपचार इसमें किस तरह से किया जाता है इसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो उपचार होते हैं वो धान की आपका ब्लास्ट और जो है फुट राइट और ब्लाइट और जौ तथा जई में आपका कवक स्मार्ट नेट ब्लॉट और रोटार और ज्वार एवं जो है ग्रेन स्पॉट हैंडसर्ट और जूस स्पॉट अलसी के रिस्ट मिल्ट आदि के द्वारा जो इसमें जो है वो किया जाता है, ठीक है, इसके रोकथाम के लिए इसमें जो है वो किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास अलग अलग जो होते हैं इसको बोलते हैं एग्रोसन जीएन या आपका जो है सीरोसन के का उपचार इसमें जो है वो किया जाता है। कुछ रोग जो होते हैं हमारे पास उसके नियंत्रण के लिए जो है वो इन केमिकल्स का प्रयोग इसमें करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इसमें कवकनाशी रसायनों का धूल के रूप में बुरकाव, बुरकाव ये मतलब होता है जैसे कि धूल के रूप में होता है यानी कि पाउडर नुमा, तो उसको जो है बुरकाव किया जाता है, ठीक है। अगर वो दानेदार है तो उसको किया जाता है हमारे में छिड़काव करते हैं, ठीक है, दानेदार होता है उसको क्या बोलते हैं, छिड़काव बोलते हैं, और जो धूल के रूप में रहता है उसको बोलते हैं बुरकाव बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करेंगे किया जाता है, तो इसके लिए हमारे पास क्या पाए जाते हैं, ये जो रोग हवा के द्वारा फैलते हैं इनकी रोकथाम के लिए इसमें किया जाता है। अगर ये रोग में यानी हवा के द्वारा जो फैलने वाले रोग होते हैं इसके रोकथाम के लिए इसका प्रयोग जो इसमें किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए आपके पास जो दवाइयाँ होते हैं उसको बोलते हैं हमारे में बैक्टीरियल विल्ट के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, इसको प्रयोग में लाते हैं। फिर आते हैं इसमें कवक नाशियों से मृदा का उपचार, जो कवक नाशी होते हैं इसका मृदा के उपचार में किस तरह से इसमें जो है इसका प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो उपचार होता है वो काफ़ी कैसा होता है, खर्चीला होता है, ठीक है, यानी कि काफ़ी खर्चीला होता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इसका जो है प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए हमारे पास क्या पाते हैं, कैप्टान होता है और इस तरह से आपका वेमांग वेपांग होता है और थिराम जो है इस थायराम सॉरी क्या है इसका थिराम, ठीक है, थिराम का प्रयोग इसमें जो है वो किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं इसमें लास्ट आता है बारहवा नंबर, इसमें आते हैं रोग अवरोधक जातियों को बुना, रोग अवरोधक मतलब होता है ऐसे पौधे या ऐसे फसल जिसमें रोग जो है जल्दी से नहीं लगते हैं इनको जो है बोना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे में फसलों की कटाई के बाद उत्पन्न रोगों का नियंत्रण, अगर उसमें फसल हम लोग काट लेते हैं और काटने के बाद अगर उसमें रोग हो जाता है तो उसका किस तरह से इसमें जो है वो नियंत्रण किया जाता है इनको देखते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड केमिकल का यूज भंडारों में गैस के रूप में जो है रोगों के संक्रमण को रोकने के लिए जो है करते हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है जब उसमें भंडार गृह में इसको जो है गैस के रूप में किया जाता है और कुछ रसायनों को सब्जियों या फलों की पेटियों पर भी छिड़का जाता है। कुछ अलग अलग और इसमें रसायन होते हैं जिसको सब्जी और फलों के जो पेटियाँ होते हैं उस पर रखते हैं और एवं क्या बोलते हैं भंडारों में उपज की अधिक मात्रा को रोगों के आक्रमण से बचाने के लिए आपका बोरेक्स होता है, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट और थायोबेल्डोजोल नामक जो है रसायनों का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है रोगों का नियंत्रण इसमें होता है, ठीक है। तो आज का हमारा था पौधों के पौध संरक्षण अध्याय से हमारा लास्ट टॉपिक, और हमारा जो अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएंगे फसल चक्र एवं सस्य क्रम योजना अध्याय नंबर 4 से हम लोग आप लेकर आएंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, धन्यवाद, थैंक यू।